और आज मैं आप सब लोगों से बात करना चाहता हूं L4 L5 डिस्क बल्ज के बारे में। हाय एंड वेलकम, मेरा नाम डॉक्टर देवशीष शर्मा है। मैं एक प्रैक्टिसिंग स्पाइन सर्जन हूं और आज मैं आप सब लोगों से बात करना चाहता हूं L4 L5 डिस्क बल्ज के बारे में। तो सबसे पहले समझना पड़ेगा L4 L5 डिस्क बल्ज में से L4 क्या है, L5 क्या है, डिस्क क्या है और बल्ज क्या है। तो जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है वो तीन भागों में विभाजित है मोटा मोटा। गर्दन की रीढ़ की हड्डी जिसको कि हम सर्वाइकल स्पाइन कहते हैं, थोरेसिक स्पाइन या फिर छाती की रीढ़ की हड्डी, और कमर की रीढ़ की हड्डी जिसको कि हम लंबर स्पाइन कहते हैं। तो जो लंबर स्पाइन होता है वो ज्यादातर केसेस में 5 वर्टिब्रा होती हैं या फिर 5 हड्डियां होती हैं जिनको कि हम लोगों ने नाम दिया हुआ है 1, 2, 3, 4 और 5। क्योंकि वो लंबर स्पाइन है तो वहीं से आता है L1, L2, L3, L4 और L5। अब क्योंकि डिस्क सारी एक जैसी होती हैं तो डिस्क को कोई नाम नहीं दिया जाता। दो हड्डियों के बीच की जो डिस्क है उसका नाम उन हड्डियों से पड़ जाता है। मैं एक एग्जांपल के रूप में समझाता हूं कि जैसे घर बने हुए हैं और घरों के बीच में गलियां हैं, तो एक घर हुआ घर नंबर 4, एक घर नंबर हुआ घर नंबर 5। तो अगर हमें किसी गली को पहचानना है तो हम कह सकते हैं कि घर नंबर 4 और घर नंबर 5 के बीच की जो गली है उधर से जाना है। तो बिल्कुल वैसे ही हमें ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सी डिस्क परेशानी में है। तो हम लोग कहते हैं L2 या L3 के बीच की डिस्क, ऐसे ही L4 L5 डिस्क, मतलब L4 हड्डी और L5 रीढ़ की हड्डी जो है उसके बीच की डिस्क। तो ये एक तरह से लोकलाइजेशन हो गया या ये पता लगाना हो गया कि कहां दिक्कत है। तो L4 L5 डिस्क बेसिकली L4 हड्डी और L5 हड्डी के बीच की डिस्क होती है। तो यदि किसी इंसान को L4 L5 की जो डिस्क है वो खराब होने लगे या वो बाहर निकलने लगे तो उसको हम कहेंगे L4 L5 डिस्क बल्ज। जो डिस्क बल्ज होता है ये कई तरीके का हो सकता है। ये सेंट्रल हो सकता है, पैरा सेंट्रल हो सकता है, फार लेटरल हो सकता है, फोरामिनल हो सकता है, एक्स्ट्रा फोरामिनल हो सकता है, कई सारे नामों से इसको जाना जाता है। कि ये डिस्क कहां निकली, अगर ये डिस्क जनरली अगर पीछे की तरफ निकलती है तो जो ट्रैवर्सिंग नर्व रूट होती है उसको ज्यादा इफेक्ट करती है। जैसे कि अगर L4 L5 डिस्क बल्ज है तो L5 नर्व रूट इफेक्ट होगी। L5 का जो एरिया है आपके पैर में वो सुन्न पड़ सकता है, जिसमें कि आपकी पिंडली में दर्द आ सकता है, आपको आपकी जो ग्रेट टो होती है या फिर पैर का जो अंगूठा होता है उसमें सुन्नाहट आ सकती है, आपको ग्लूटियल एरिया में या फिर आपके हिप एरिया में दर्द आ सकता है। अगर आपको L4 के सिम्टम्स आ रहे हैं तो ये दर्द थोड़ा और ऊपर रहेगा। तब ऐसा तब होता है जब आपकी डिस्क लेटरल साइड में बाहर निकली होती है या साइड की तरफ बाहर निकली होती है, या फोरामिनल डिस्क हर्निएशन या एक्स्ट्रा फोरामिनल डिस्क हर्निएशन होता है, तब इस तरह की दिक्कत आती है। तो अगर आपको L4 L5 डिस्क बल्ज है तो या तो आपको L5 डिस्क बल्ज के सिम्टम्स आएंगे या फिर L4 नर्व रूट के सिम्टम्स आएंगे, या फिर आपको सिम्टम्स आएंगे उसके नीचे की नर्व रूट्स के, जैसे S1 के। वो ऐसा जनरली होता है जब सेंट्रल कंप्रेशन होता है। तो बात करें अगर ट्रीटमेंट की, तो यदि अगर किसी को L4 L5 डिस्क बल्ज है और वो ज्यादा नहीं है और आपके सिम्टम्स को अभी बहुत टाइम नहीं हुआ है, तो आप हमेशा इसको दवाई से, फिजियोथेरेपी से कंट्रोल कर सकते हैं। दवाइयों से, मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो ये कहते हैं कि मुझे सर्जरी करानी है या मुझे एंडोस्कोपी करानी है। मैं उनको ये बोलता हूं कि आपकी प्रॉब्लम को अभी 1 हफ्ता 2 हफ्ता 4 हफ्ता 1 महीना 2 महीना 3 महीना ही हुआ है, तो आप अभी दवाई लेके ट्राई कर सकते हो। अगर आपकी प्रॉब्लम को 2-3 महीने 4 महीने से ज्यादा हो गए हैं और आप ठीक नहीं हो पा रहे हैं और आप दवाइयां भी ट्राई कर रहे हैं, फिजियोथेरेपी आपने ट्राई किया है, आपने हो सकता है इंजेक्शन भी ट्राई कर लिया हो ऐसे केसेस में, या फिर अगर आपकी प्रॉब्लम में आपको आपको पेन बढ़ता ही जा रहा है, आपको एक्सट्रीम पेन हो रहा है, आप एक कदम भी जमीन पर नहीं रख सकते ऐसे केसेस में, या फिर आपको वीकनेस आना शुरू हो गई है आपके पैरों में, या फिर आपको ब्लैडर बाउल सिम्टम्स या फिर लेटरिन बाथरूम में कोई कमजोरी, कोई अर्जेंसी, या फिर ऐसा होना कि ज्यादा देर तक यूरिन को कंट्रोल ना कर पाना, इस तरह के सिम्टम्स आने लगे हैं, तो सर्जरी ऑलमोस्ट जरूरी हो जाती है।
यूरिन और ब्लैडर का, यूरिन और बॉबल का कंट्रोल या फिर लैट्रिन बाथरूम के कंट्रोल सबसे ज्यादा सीरियस इमरजेंसी मानी गई है मॉडर्न साइंस के हिसाब से, और ऐसे केस में सर्जरी को बिल्कुल भी नहीं डिले करना चाहिए, क्योंकि अगर सर्जरी डिले करेंगे तो जिंदगी भर के लिए कंट्रोल जा सकता है और सर्जरी अर्जेंटली होनी चाहिए। अगर आपको वीकनेस आ रही है तो भी सर्जरी जल्दी से जल्दी आपको करानी चाहिए, क्योंकि वीकनेस आने के बाद सर्जरी जब हम करते हैं और वीकनेस अगर ज्यादा दिन पुरानी हो गई है तो कभी कभी सर्जरी करने के बाद भी पेशेंट को फायदा नहीं होता। पेन में फायदा आ जाता है लेकिन वीकनेस में फायदा कभी कभी नहीं आता। तो इसलिए यदि आपको पेन बहुत दिन से है, आपकी प्रॉब्लम को कई महीने हो गए हैं और आप ठीक नहीं हो पा रहे हैं, तो आप इसकी सर्जरी अपने डॉक्टर से मिलकर प्लान कर सकते हैं। सर्जरी के बारे में आप ऑलरेडी मैंने कई वीडियोस में बताया है, लेकिन मैं फिर से बताता हूं कि सर्जरी तीन तरीके से की जा सकती है, जिसमें सबसे स्टैंडर्ड और ट्रेडिशनल स्टाइल है ओपन स्पाइन सर्जरी, जिसमें ओपन करके हम जो भी डिस्क बल्ज है उसको साफ कर सकते हैं। दूसरी सर्जरी है माइक्रोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी, जो ओपन सर्जरी का छोटा रूप है, जिसमें कि हम माइक्रोस्कोप के मदद से अंदर जाते हैं ट्यूब रिट्रैक्टर के थ्रू और अंदर जाके नस को साफ करते हैं। और तीसरी और सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो है, जिसे हम कहते हैं एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी, जिसमें हम दूरबीन के माध्यम से अंदर जाते हैं और उससे जाके भी सर्जरी कर सकते हैं। तीनों सर्जरी बहुत सक्सेसफुल होती है, तीनों के रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। बस टिश्यू डिसेक्शन या फिर जो अंदर जाने में जो मसल्स हैं, जो टिश्यूज हैं, उनका डिसेक्शन ओपन सर्जरी से लेके एंडोस्कोपी तक कम होता चला जाता है, यानी कि सबसे ज्यादा ओपन सर्जरी में और सबसे कम एंडोस्कोपिक सर्जरी में। और पोस्ट ऑपरेटिव पेन, मतलब सर्जरी के बाद होने वाला दर्द, जो कि सर्जरी के कारण जो चोट लग, जो सर्जरी में जो हमने टाके लगाए उसके कारण जो होता है, वो सबसे ज्यादा ओपन सर्जरी में होता है, उससे कम माइक्रो सर्जरी में होता है और उससे भी कम एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी में होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी में जो ट्रांसफोरामिनल होता है उसमें फाइब्रोसिस ऑलमोस्ट निल होती है। फाइब्रोसिस बेसिकली क्या होता है, एक स्पेशल तरह का टिश्यू होता है जो कि सारी नर्व्स को और चीजों को अपने आप चिपका लेता है। तो जब हम ओपन सर्जरी करते हैं या माइक्रो सर्जरी करते हैं तो काफी सारी फाइब्रोसिस देखने को मिलती है एमआरआई में सर्जरी के बाद, लेकिन एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी में फाइब्रोसिस ना के बराबर होती है, जिससे कि कभी भी फ्यूचर में भगवान ना करे किसी को जरूरत पड़े, लेकिन अगर कोई सर्जरी की जरूरत पड़े तो वो सर्जरी बहुत ज्यादा आसान हो जाती है और स्पाइन हमेशा एमआरआई में वर्जिन जैसी दिखाई देती है इवन आफ्टर एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी, क्योंकि जो टिश्यू डिसेक्शन है वो बहुत कम होता है और एक तरह से एक नेचुरल प्रोसीजर की तरह सर्जरी की जाती है, क्योंकि ट्रांसफोरामिनल एंडोस्कोपी में हम लोग ओरिजिनल जो रीढ़ की हड्डी में छेद होता है उसके थ्रू अंदर जाते हैं, कोई अलग से छेद हमें नहीं बनाना पड़ता। जबकि हम जो ओपन स्पाइन सर्जरी होती है या माइक्रोस्कोपी होती है उसमें हमें एक लिगामेंट होता है फ्लेवम, उसको काटना पड़ता है और कभी कभी थोड़ा थोड़ा हड्डी को निकालना पड़ता है, जिसे हम लैमिनोटोमी कहते हैं या लैमिनेक्टोमी कहते हैं। तो ये एक पीछे का रास्ता होता है, और एंडोस्कोपी में साइड से जाते हैं तो उसमें ज्यादातर डिसेक्शन कम होता है। यही कारण है कि आपको एक एबनॉर्मल रास्ता बनाना पड़ेगा तो आप पेशेंट को अत्यधिक दर्द होगा, तो उसके लिए पेशेंट को बेहोश करना पड़ेगा, और या फिर बेहोश नहीं तो एटलीस्ट रीढ़ की हड्डी में सुई लगा के नीचे का हिस्सा सुन करना पड़ता है। हालांकि ट्रांसफोरामिनल एंडोस्कोपी में कुछ भी बेहोश करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी सुन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बॉडी में कोई भी मेजर डिसेक्शन होता ही नहीं। हम एक ट्यूब के थ्रू अंदर जाते हैं, एक मोटी सुई मान लीजिए, और उसके थ्रू ही सारा काम करके निकल जाते हैं, और ऑपरेशन के इमीडिएट बाद पेशेंट घर जा सकता है एक आध घंटे की मॉनिटरिंग के बाद। हालांकि हम इंश्योरेंस केसेस में तो ये मैंडेटरी होता है कि पेशेंट को 24 घंटे हॉस्पिटल में रखना है, और नॉन इंश्योरेंस केसेस में हम कोशिश चाहते हैं कि अगर इवनिंग में सर्जरी हुई तो पेशेंट ओवरनाइट हॉस्पिटल में स्टे करे, बट ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि सर्जरी लोकल में हुई है तो आप घर जा सकते हैं, सेम डे डिस्चार्ज हो सकते हैं कंफर्टेबली। इवनिंग में मतलब कुछ देर की मॉनिटरिंग के बाद पेशेंट आराम से कंफर्टेबल हो सकता है, चल फिर सकता है। 10-15 मिनट बाद भी सर्जरी के, स्पेशली ट्रांसफोरामिनल एंडोस्कोपी में 10-15 मिनट बाद भी पेशेंट चल फिर सकता है, सारे काम कर सकता है। तो अगर आपको L4 L5 डिस्क बल्ज है तो बहुत ज्यादा हाई चांसेस है कि आप दवाई, फिजियोथेरेपी और एक्सरसाइज से ठीक हो जाएंगे। अगर डिस्क बल्ज छोटा है और इन सब चीजों से आप ठीक नहीं हो रहे हैं तो आप इंजेक्शन से ठीक हो जाएंगे, और अगर इंजेक्शन से भी आप ठीक नहीं हो पा रहे हैं तो फिर और आप परेशानी आपकी बढ़ रही है, और जो सिम्टम्स मैंने डिस्क्राइब किए जैसे वीकनेस, ब्लैडर बबल इन्वॉल्वमेंट या फिर एक्सट्रीम पेन आपको हो रहा है, तो आपको निश्चित रूप से अपने स्पाइन सर्जन से मिलना चाहिए, इस प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करना चाहिए, और डिस्कशन के बाद सही जानकारी के थ्रू अपने स्पाइन सर्जन से बात करके सही इलाज के थ्रू
आगे बढ़ना चाहिए, जिससे कि आपकी प्रॉब्लम सही टाइम पे सही ढंग से सॉल्व हो जाए और उसके साथ आपको लॉन्ग टर्म पे जीना ना पड़े। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो सर्जरी कराने के बाद खुश तो होते हैं क्योंकि उनका दर्द ठीक होता है, हो गया होता है, लेकिन बहुत दुखी इस बात से होते हैं कि उनके 4 साल या 5 साल या 10 साल वेस्ट हो गए जब वो दवाई या फिजियोथेरेपी या एक्सरसाइज कराते रहे और वो ठीक नहीं हुए। तो मैं ये मानता हूं कि किसी को अगर 3 या 6 महीने से दिक्कत हो रही है तो अब और वेट करने से सिर्फ टाइम जाया होता है, और आजकल की जिंदगी में कितना टाइम आप लगा सकते हैं अपने इलाज पर, कितना पैसा आप लगा सकते हैं अपने इलाज पर, ये भी एक प्रश्न चिन्ह वाला सवाल है, और इसका जवाब हर डॉक्टर पेशेंट के लिए अलग अलग होता है। कुछ लोगों के पास टाइम होता है कि वो रेस्ट कर सकते हैं 2-4-6 महीने, कुछ लोगों के पास टाइम 2 दिन का भी नहीं होता। तो डिपेंड करता है कि आप कितने बिजी हैं, आपकी लाइफस्टाइल में क्या है, आपको अपने करियर पे क्या काम करना है। अगर आपको लगता है कि आप रेस्ट ले ही नहीं सकते 2-4 महीने का 6 महीने का और आपको दर्द बहुत है और आप काम नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको सर्जिकल ऑप्शन के बारे में भी अपने डॉक्टर से डिस्कस करना चाहिए। हालांकि पहला ट्रीटमेंट हमेशा कंजर्वेटिव ही रहेगा और उसी से ही पेशेंट्स को ठीक किया जाना चाहिए, मैं इस बात का बड़ा फर्म बिलीवर हूं। लेकिन यदि आप ठीक नहीं हो रहे हैं तो सर्जरी में कोई हर्ज नहीं है, आप ठीक हो सकते हैं दवाइयों से, फिजियोथेरेपी से, और फाइनली एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी से, और माइक्रोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी से, और ओपन सर्जरी से। ये सारे ट्रीटमेंट्स आजकल बहुत सक्सेसफुल हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि कोई भी इंसान L4 L5 डिस्क से अगर प्रोट्रूजन से ग्रस्त है तो वो जल्दी ही ठीक हो जाएंगे, अपना इलाज करेंगे और खुश रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। आपके कोई सवाल हो तो आप मेरे से मेरे चैनल पे पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगर आपके मन में कोई बात है तो जरूर हमसे पूछिए।